साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और एग्जाम टूर चैनल आप सबका चैनल है, आप सभी विद्यार्थियों का चैनल है, इसलिए विद्यार्थी से जुड़ा हुआ प्रत्येक मुद्दा पर चर्चा किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें, ये कट ऑफ निकाला जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम हुआ उसी का, यानी कि 2022 वाला कट ऑफ आपको दिया जाएगा। और मैं आपसे बता दूं, मैं ऐसा क्यों बोलता हूं और आप सबका विश्वास क्यों होता है कि ये कट ऑफ सही होता है, इसका कारण चार पांच है। सबसे बड़ा कारण क्या होता है आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला कारण, एग्जाम रिव्यू। आप देखते होइएगा, जब कहीं भी इलेक्शन होता है तो मीडिया वाले वहां प्रिडिक्शन करते हैं, एग्जिट पोल जारी करते हैं, तो वह कैसे जारी करते हैं, वह जाके पब्लिक से मिलते हैं, पब्लिक का मियाद जानते हैं, कवर करते हैं। तो मेरा भी वही काम होता है, आपका एग्जाम कैसा गया, आप एग्जाम में कितना प्रश्न बनाए, ये मैं जानने का प्रयास करता हूं। दूसरी बात देखिए, अब एग्जाम है चुकी, तो इस एग्जाम में आप एग्जाम देकर निकलते हैं और तुरंत बता देते हैं कि मेरा इतना मैंने बनाया, लेकिन उसमें क्या सही है क्या गलत है ये तो आप बता नहीं पाते हैं मुझे। लेकिन एग्जाम रिव्यू जब करते हैं तो आप लोग बताते हैं, तो ये एक ज्यादा फैक्टर होता है। लेकिन पब्लिक वाला जो होता है वो तो डायरेक्ट बता देता है हम किसे वोट दिए, तो वो लोग ज्यादा सटीक निकाल देते हैं। लेकिन हम लोग का भी सटीक होता जब जो चैनल एग्जाम रिव्यू करे उस पर आप जरूर जाके कमेंट करें दो दिन तीन दिन बाद कि मेरा इतना सही आ रहा है। ये चैनल एथेंटिक कट ऑफ जारी करता है। दूसरा देखें, जो आप लोग के हम लोग के द्वारा पोल कराया जाता है, वो कोई टीचर हो या यूट्यूबर हो या एग्जाम रिव्यू करने वाले हो, यूट्यूबर का अर्थ हुआ जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं वह सही कटअप जारी करेंगे। तो एक तो ये एग्जाम रिव्यू, दूसरा जो क्लास में जुड़े हुए बच्चे हैं उनको भी सही जानकारी देना चाहिए कि हाँ मेरा इतना सही आ रहा है। ये दो चार पांच चीज है। और क्या है, प्रश्न का टफनेस देखा जाता है कि प्रश्न में जो कठिनाई है, कठिन प्रश्न आया वह किस लेवल तक आया, 10%, 5%, 20%, ये देखा जाता है। अब थोड़ा सा आइए, तो वह कैसे जज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साधारण प्रश्न को गलत करते हैं, यानी कि साधारण हम कैसे किसी प्रश्न को बोलेंगे, तो जो हमेशा आंख से गुजरता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वह प्रश्न साधारण होता है, लेकिन यदा कदा एग्जाम में आने वाले प्रश्न को टफ बताया जाता है, टफनेस बताया जाता है। तो ये एक बात हुआ, ये सब चार पांच तरीका होता है जारी करने का। दूसरा क्या होता है, तीसरा चौथा, कि पिछला एग्जाम का और इस एग्जाम का तुलना किया जाए, ये भी एक होता है। पिछला एग्जाम में उपस्थिति का तुलना इस एग्जाम के उपस्थिति से किया जाता है। पिछला एग्जाम में किस तरह से समय मिला, इस एग्जाम में क्या समय मिला, इस पर चर्चा किया जाता है, ये सब होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, और मेरा जो कटऑफ होगा वह 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम चांस होगा कि सही होगा, इस बात को समझे। सबसे पहले आप देख लें, कोई भी एग्जाम में अगर कोई भी व्यक्ति कहे कि 100% प्रश्न आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। एग्जाम का अर्थ, परीक्षा का अर्थ ही होता है दूसरे के इच्छा पर आप प्रश्न बनाने जाते हैं, उनका इच्छा कैसा है, तो 100% कहीं से नहीं मिलेगा। वैसे विद्यार्थी जो मैक्सिमम प्रयास करते हैं, वैसे विद्यार्थी जो हजारों प्रश्न अपने आंख से गुजारते हैं, उनका एग्जाम अच्छा जाता है, इस बात को आप गांठ मान लें। चलिए आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बता दें, पिछला बार जो एग्जाम हुआ था उसमें कम समय मिला था, उसमें पैटर्न आपको भी मालूम नहीं था कि किस तरीका से लेगा, क्योंकि पहला बार पेट का एग्जाम आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, तो उस समय आपको नहीं था, पहली बार एग्जाम हुआ था, प्रश्न का स्तर भी मालूम नहीं था, उपस्थिति भी थोड़ा सा कम था, साधारण भी प्रश्न थे, पेपर भी का प्राकृतिक आपको मालूम नहीं था, ये सब के कारण थे जिसके कारण आपका रहा। उस समय परसेंटाइल लोग बहुत उठाए, अच्छा उठाए, इस बार भी उठाएंगे, लेकिन कौन उठाएंगे देखिएगा। डीआई का प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जीके जीएस में भी आएंगे तो करंट अफेयर वगैरह का प्रश्न डाला गया था, मैक्सिमम प्रयास किया गया था कि बच्चों को उलझाया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिफ्ट थे जिनके प्रश्न साधारण मिले। हिंदी था, रीजनिंग था, इंग्लिश था और मैथ्स था। और आपसे बता दें, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप मैथ्स में मैक्सिमम कर सकते हैं, रीजनिंग में मैक्सिमम कर सकते हैं, इसमें गलती होगा, इसमें गलती होगा, डीआई बुलाया। अब यहाँ पे आते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या चांस है, होगा, चांस क्या है, होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा। लेकिन बच्चे इस टेंशन में आ जा रहे हैं, कट ऑफ भी मैं बताऊंगा, इरिजेंट कब आएगा ये भी बताऊंगा, आंसर की कब देगा ये भी बताऊंगा, सब कुछ बताया जाएगा, बस अंत तक वीडियो को देखें। यही नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो बच्चे इससे डर रहे हैं, मैक्सिमम 2 से 5 अंकों का अंतर होगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा।
जिसका टॉप क्वेश्चन होगा उसके लिए बेनिफिशियल होगा, जिसका क्रॉस क्वेश्चन साधारण होगा उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अब बच्चे बताएंगे कैसे टफ है कैसे साधारण है, इसको जज करने के लिए मैक्सिमम बच्चे जिस प्रश्न को बनाते हैं, जिस में मैक्सिमम क्वेश्चन हल करते हैं, मैक्सिमम सही होता है, यह सारा चीज होता है जांचने का कि साधारण प्रश्न है या टफ प्रश्न है। अब आइए आगे, आपसे बता दें रिजल्ट 2021 में कब आया था, तो रिजल्ट आपको अक्टूबर में आया था, इस बात को आप जानते हैं। एग्जाम हुआ था आपका अगस्त में और रिजल्ट आया था अक्टूबर में। इस बार एग्जाम हो रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एग्जाम हुआ था आपका अगस्त में और रिजल्ट आ गया था, अगस्त में आपका एग्जाम हुआ था पिछला बार और रिजल्ट आपका आ गया था, रिजल्ट यहाँ पे अक्टूबर में आ गया था और एग्जाम हुआ था अगस्त में, लेकिन इस बार एग्जाम हो रहा है अक्टूबर में तो रिजल्ट आने का संभावना है दिसंबर या जनवरी 2023 में। इस बात को समझेंगे, आपका रिजल्ट दिसंबर में भी दिया जा सकता है या जनवरी 2023 में भी दिया जा सकता है। अब देखिए मैक्सिमम ऐसा पद होता है जहां पे जैसे आप देखे हुए लेखापाल का निकलता है, दरोगा का निकलता है, बहुत सारा, तो आप पंचायत सचिव का निकलता है, ये सब के लिए, तो आपसे बता दें आपका जो कोई इंटर किए होंगे तो उनके लिए भी अच्छा सीट आएगा, जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी अच्छा सीट आएगा। तो अब आप अपने स्तर से यदि आप इंटर किए हैं तो लेखापाल तैयारी में लगे, आप ग्रेजुएशन किए हैं तो दरोगा, आप जिस तरीका से हैं अब आपको ये सब देना होगा। अब यहाँ पे देखिए कुल सीट का सीट गुना 30 गुना रिजल्ट दिया जाता है। कुल सीट कैसे, मान लिया जाए बुलाया जाएगा एक ऊपर से नीचे तक के स्तर में, अगर लेखापाल में सीट निकलता है 8,000 या 10,000 तो उसको देखकर यहाँ पे आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे थोड़ा सा आते हैं, आगे में क्या आते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे। और अब देखिए 2021 में पेट 2 शिफ्ट में हुआ था और इस बार जो है वह 4 शिफ्ट में हुआ है, थोड़ा सा कटअप को देखेंगे तो इस बार का जो प्रश्न है मैक्सिमम विद्यार्थी जो 70+ सही कर पा रहे हैं, 70+ सही कर पा रहे हैं या 70 के आसपास सही कर पा रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, वह अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए फर्स्ट शिफ्ट 15 तारीख और 16 और ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था सेकंड शिफ्ट में, बाकी सब प्रश्न आसान थे जिस तरीका से आप लोग बताए हैं, जिस तरीका से आपका कमेंट आया है सेम उस पर मैं बता रहा हूं। अब देखिए यदि आपका 70+ आ रहा है तो आप सेफ जोन में, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 80+ भी आ रहा है जो लगातार 4-5 माह से अच्छा से तैयारी किए, जो कि समय मिल गया था। और एक बात बता दें वैसे विद्यार्थी कभी टेंशन नहीं ले, वो किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर उनका 70+ है तो अच्छी बात है, यदि 60+ भी आपका है तो बहुत सारा आप एग्जाम देंगे, बहुत सारे एग्जाम में आपको बुलाया जाएगा, सभी में तो नहीं लेकिन आपका 2-4-5 एग्जाम मिल सकता है, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहे, कोई तैयारी नहीं छोड़ेंगे। ये एक आज का जो आज आप लोग डाटा दिए थे मेरे चैनल पे, आप सब विद्यार्थी लगभग 2-3 हजार के करीब में जो कमेंट आया था और जो आप लोग सर्वे में भाग लिए उन पर ये डाटा तैयार किया गया। और आपसे बता दें अब अभी जो आप इसमें रियल, यानी कि कल तो एग्जाम समाप्त हुआ, बच्चे बाहर परेशान थे क्योंकि आने जाने में समस्या हो रहा था, अब आप आंसर किसे मिलाएं और मतलब आप जो यूट्यूब से जहां जहां डाला गया है मिलाकर और कमेंट करें कि आपका कितना सही आ रहा है रियल में। इससे पहले तो आप केवल कुछ इधर उधर हो सकता है लेकिन अब नहीं। अब देखिए आंसर की कब तक आएगा, तो आंसर की 2-3 दिन में घोषित कर दिया जाएगा, आंसर की ऑफिशियल आप मिला लेंगे। अब यहाँ पे आइए रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट दिसंबर या जनवरी में घोषित कर दिया जाएगा। कट ऑफ यदि आप 70+ है तो आपको मैक्सिमम आपका सभी एग्जाम कवर हो जाएगा, जो आप 12th लेवल पर हैं या ग्रेजुएट लेवल पर हैं या 10th पर हैं, लेकिन यदि आप इससे कम आ रहे हैं तो आपको भी मौका मिलेगा लेकिन कुछ कम एग्जाम देने का मौका मिलेगा, फिर भी आप तैयारी में लगे। ये एक केवल मेंस देने का मौका आपको देता है, ये जॉब नहीं देता है UP SSSC, केवल ये पेट आप देते हैं तो आप मेंस देने लायक बनते हैं, तो इसलिए अब मेंस की तैयारी में आप लग जाएं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।